तो गाइस आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपना सीजन 2 इलाइट पास मिस कर लिया। आप लोगों को पता है सीजन 2 इलाइट पास की फ्री फायर के अंदर कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा जो सीजन 2 इलाइट पास था वो मिस हो गया। काफी ज्यादा सैड स्टोरी जाने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड वीडियो पसंद आए तो यार मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर। तो यार बात उस वक्त की है जब फ्री फायर के अंदर सीजन 2 इलाइट पास आ रखा था एंड उससे कुछ दिन पहले ही मैंने फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया था। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि फ्री फायर के अंदर टॉप अप कैसे करते हैं, डायमंड कैसे लेते हैं, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। बट मेरे साथ खेलने वाले एक दो दोस्तों ने उस वक्त सीजन 2 इलाइट पास परचेज किया था। मैंने एक दोस्त से पूछा यार तुम्हारे पास ये बंडल कैसे है, मुझे भी ये बंडल लेना है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार ये इलाइट पास से मिलता है एंड इलाइट पास को परचेज करना पड़ता है। तो मैंने पूछा यार इलाइट पास को कैसे परचेज करते हैं, मुझे भी बता दे, मुझे भी ये बंडल। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि इसके लिए तुमको फ्री फायर के अंदर टॉप अप करना होगा, डायमंड लेने होंगे। तो मैंने बोला यार डायमंड कैसे लेते हैं, मेरे को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि डायमंड के लिए पैसा लगता है। मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार मेरे पास पैसे तो पड़े हैं पर ये डायमंड कौन सी दुकान में मिलते हैं, कहां पे जाके खरीदूं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि यार डायमंड गेम के अंदर ही मिलते हैं। मेरे उस दोस्त ने मेरे को बताया कि यार ये कई दुकान वुकान पे नहीं मिलते, ये गेम के अंदर ही मिलते हैं एंड इसके लिए गेम के अंदर टॉप अप करना होता है। तो मैंने बोला यार टॉप अप कैसे करते हैं, तो दोस्त ने बताया कि इसके लिए तुमको गूगल प्ले गिफ्ट वाउचर चाहिए। उस वक्त आपके भाई को इतना नॉलेज तो था नहीं कि यार ये गूगल प्ले वाउचर क्या होते हैं, इसको कैसे लेते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से सारी जानकारी ली और उसने मेरे को बता दिया कि ऐसे ऐसे मिलता है। मेरे को बता तो सब कुछ दिया था बट यार मेरे पास उस वक्त सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि यार मैं गांव के एरिया के अंदर रहता था एंड आप लोगों को पता है आज से 4-5 साल पहले गांव की क्या हालत थी। उस वक्त यार हमारे गांव में कुछ गिने चुने बंदों के पास ही एंड्रॉइड मोबाइल अवेलेबल थे। तो मैंने सारों से जाके यार पूछा तुम्हारे मोबाइल में पेटीएम फोन पे कुछ, लेकिन यार आज से 5-6 साल पहले गांव के अंदर किसी के पास पेटीएम या फोन पे नाम की कोई भी बीमारी नहीं थी। लेकिन यार आपके भाई को तो हिपो बंडल चाहिए था तो चाहिए था। मैंने यार फुल रिसर्च किया, फुल एकदम पता कर लिया, हर रिटेलर के पास जाके पता कर दिया, बट यार हमारे गांव के अंदर किसी के भी पास पेटीएम या फोन पे नाम का कोई भी चीज नहीं था। मैं यूट्यूब पे गया, मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि बिना फोन पे या पेटीएम के गेम के अंदर टॉप अप कैसे करें। तो कुछ गिने चुने बंदों ने यहाँ पे वीडियो डाल रखे थे कि कैसे टॉप अप करते हैं सिम कार्ड। उस वक्त कुछ यूट्यूबरों ने वीडियो डाल रखे थे कि कैसे आप लोग सिम कार्ड की मदद से टॉप अप कर सकते हो, बट उन लोगों ने बताया था कि सिर्फ एयरटेल की सिम से आप लोग टॉप अप कर पाओगे। उस वक्त हमारे गांव में एयरटेल का नेटवर्क नहीं था, तो किसी के पास भी एयरटेल का सिम नहीं था, सारे के सारे बंदे वोडाफोन का सिम यूज करते थे। बस फिर क्या था यार, एक बार फिर से आपके भाई के सामने एक बहुत ही बड़ी विकराल समस्या आगे खड़ी हो गई थी कि कैसे टॉप अप करें। अब यार मैं पूरा उदास हो गया था, मुझे लगने लगा था कि यार मैं ये बंडल नहीं ले पाऊंगा। बस फिर क्या था यार, आपके भाई का मूड एकदम खराब हो गया, मैं एकदम उदास उदास रहने लगा। मैं गेम में भी बहुत ही कम ऑनलाइन जाता था, मेरे गेम के फ्रेंड ने मेरे को कॉल लगाया और बोला कि यार तू गेम में ऑनलाइन क्यों नहीं आता। तो मैंने उससे बोला कि यार मेरे को ये बंडल निकालना है, कैसे निकालूं पता नहीं। मैंने अपनी सारी की सारी दुखद कहानी उसको बता दी एंड उसने मेरे को बोला कि हमारे यहाँ पे पेटीएम वगैरह सब काम करते हैं, तो मैं तुमको निकाल के दे दूंगा। बस फिर क्या था यार, आपका भाई तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था यार, इतना ही सुनना था मेरे को। तो बस मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, मैंने सोचा अभी तो बंडल मिल जाएगा। दोस्त ने मेरे से फेसबुक का आईडी पासवर्ड मांगा एंड मेरे को यार बंडल चाहिए था, तो मैंने बिना कुछ सोचे उसको आईडी पासवर्ड दे दिया। अभी लाइट पास को एंड के 5-6 दिन ही बचे हुए थे, मैं अपने दोस्त को बोला यार जल्दी से जल्दी तो कुछ भी करके मेरे को ये लाइट पास। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि तू टेंशन मत ले यार, तेरे को ये लाइट पास मैं कुछ भी करके दिला दूंगा। मैंने पूरे एक दिन वेट किया, मैंने अपने दोस्त को कॉल वॉल कुछ भी नहीं लगाया एंड शाम तक मैंने अपने दोस्त का वेट किया। मैंने यार खुशी के अंदर अपने फ्री फायर का अकाउंट ओपन किया, मैंने सोचा यार मेरे अकाउंट के अंदर तो अभी हिपो बंडल आ गया होगा। मैंने जैसे अकाउंट ओपन किया मेरे अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं था। फिर क्या था, मैंने यार गुस्से में आगे अपने दोस्त को कॉल लगा दिया, मैंने उससे बोला यार अभी तक तूने यार क्या कर रहा है, तूने मेरे को लाइट पास दिलाया नहीं। तो उसने मेरे को बोला कि यार रुक जा, मैं कर रहा हूँ, पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं तेरे को लाइट पास दिला दूंगा कुछ भी करके। इतने कहने के बाद मैंने अपने दोस्त का 2 दिन वेट किया, मैंने सोचा 2 दिन के बाद मैं कैसे ही करके बंदा मेरे को लाइट पास दिला देगा। पूरे 2 दिन वेट करने के बाद भी उसने मेरे को लाइट पास नहीं दिलाया। तो मैंने 2 दिन के बाद जैसे उसको कॉल लगाया तो भाई उसका कॉल नहीं लग रहा था। काफी बार ट्राई किया उसको कॉल लगाने का बट यार उसको कैसे भी करके कॉल नहीं लग रहा था, उसको कॉल नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा यार उसका मोबाइल में कोई नेटवर्क इश्यू होगा या फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ होगा। पूरे दिन मैंने अपने दोस्त को कॉल ट्राई करने का कोशिश किया बट यार उसको कॉल नहीं लग रहा था कैसे भी करके। मैंने शाम के वक्त में अपना फ्री फायर का अकाउंट ओपन किया, मैंने सोचा यार चलो फ्री फायर खेलते हैं, कॉल नहीं लग रहा है तो क्या है। जैसे मैंने अपना अकाउंट ओपन किया तो मैंने देखा कि यार मेरी आईडी के अंदर हिप हॉप इलाइट पास परचेज किया हुआ है। ये देखते भाई आपका भाई एकदम खुश हो गया यार, मेरे तो एकदम क्या ही बोले, मतलब सपना पूरा हो गया। इतना ज्यादा खुश हुआ था कि मैं अभी आप लोगों को शब्दों के अंदर नहीं बता सकता कि उस वक्त मैं कितना ज्यादा खुश हुआ। फिर क्या था यार, मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश की उसको थैंक यू बोलने के लिए, बट उसका कॉल अभी भी नहीं लग रहा। फिर यार मेरे दिमाग में एक बात चलने लगी कि आखिर यार इस बंदे का कॉल क्यों नहीं लग रहा है, मेरे को इलाइट पास दिला दिया उसका कॉल नहीं लग रहा, आखिर क्या बात हो गई। बट उसी वक्त मेरे मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर मेरे यार फेसबुक अकाउंट से कुछ नोटिफिकेशन आ रहा था। अपने फेसबुक अकाउंट पे गया तो मुझे पता चला कि यार मेरे फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड चेंज कर दिए गए। अभी मुझे कुछ कुछ पता चलने लगा था कि यार मेरे साथ कोई ना कोई स्कैम हो रहा है। तो मैंने भाग के अपना मोबाइल नंबर चेंज करने का कोशिश किया बट वहां पे भी यार मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया था। अभी मैं भाग के गेम के अंदर गया तो मुझे पता चला कि यार मेरे गेम का नाम भी पहले से चेंज कर दिया गया। इतना सब सीन होने के बाद मुझे पता चल गया था कि यार मेरे दोस्त ने मेरे साथ स्कैम कर लिया। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं कितने ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मैंने अपने उस मक्कार दोस्त को गालियां देने के लिए कॉल भी लगाया बट उसका कॉल नहीं लग रहा था। तो मुझे पता चल गया था यार उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फटाफट अपनी मम्मी के मोबाइल से उसको कॉल लगाया, उसने कॉल एक्सेप्ट भी कर लिया। मैंने उसको बोला भाई
तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया, मैंने तेरे पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया, इतना ज्यादा विश्वास किया, तेरे मेरे आईडी पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया। तो उसने मेरे को बोला कि यार तू एकदम पागल है, तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इसकी खुद की आईडी के अंदर ये लाइट पास नहीं निकाला हुआ है, तो ये मुझे कैसे निकाल के देगा। मैं उसके सामने एकदम रोने लगा, मैं गिड़गिड़ाने लगा, मैंने बोला यार प्लीज से मेरी आईडी मेरे को वापस दे दे, मेरी आईडी मेरे को वापस दे दे। बट उसने बोला यार अभी तेरे को आईडी नहीं मिलेगी। बस इतना पता चलने के बाद आपका भाई एकदम रोने लगा, मैंने फ्री फायर खेलना ही बंद कर दिया। इस हादसे के बाद आप भी एक बात तो पता चली गई कि यार अपना आईडी पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी विश्वास पात्र दोस्त क्यों ना हो, कितना भी ट्रस्टेड दोस्त क्यों ना हो। लालच एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी किसी न किसी को आ ही जाती है। इस हादसे के बाद मैंने पूरे एक साल तक फ्री फायर नहीं खेला, मैं पबजी के अंदर चला गया, मैं पबजी खेलने लगा एकदम इंटरेस्ट। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो पूरे एक साल बाद आया, मुझे उसी दोस्त ने जिसने मेरी आईडी हैक की थी पूरे एक साल बाद में कॉल किया। तो मैंने उसको बोला तूने मेरी आईडी तो ले ही लिया, मेरा सब कुछ तो छीन ही लिया मुझसे, अभी मुझे क्या लेने के लिए कॉल किया तूने। उसने मेरे को बोला कि यार मैंने तेरे साथ स्कैम किया, तेरी आईडी ले ली, तेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। तो उसने मेरे को बोला कि यार तेरा वो आईडी तो अभी मेरे पास नहीं है, वो तो मुझसे किसी ने स्कैम कर लिया, बट मेरे पास एक आईडी पड़ा है जो मैं तेरे को दे सकता हूं। फिर क्या था, उसने मेरे को एक 50 लेवल का फ्री फायर अकाउंट दिया जिसके अंदर इतना कुछ खास नहीं था, बट यार आपकी भाई ने उसी अकाउंट से खेलना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया, उस पर वीडियो बनाने आपके भाई ने फुल मेहनत किया, यूट्यूब पे एकदम दबा के काम किया। आज आपके भाई के पास हिप हॉप से भी ज्यादा रेयर चीज है, जी हाँ वी बैज, आज आपके भाई के अकाउंट में वी बैज है। बुरा करने वाले के साथ एंड में बुरा ही हुआ, उसने मेरा आईडी स्कैम किया एंड वो आईडी किसी और ने स्कैम कर लिया, बट आपके भाई ने किसी का बुरा नहीं किया, तो भाई भगवान ने भी देखा और मेरे साथ अच्छा ही किया, मेरे अकाउंट पे वी बैज दे दिया। आज हिप हॉप वाले बंदे से ज्यादा इज्जत है, हिप हॉप वाले बंदे रिक्वेस्ट के लिए तरसते हैं, हर एक बंदा वी बैज वाले अकाउंट की रिक्वेस्ट के लिए तरसता है। बस यार गाइस मेरा एंड के अंदर इतना ही कहना है कि कोई बंदा अगर आप पे ट्रस्ट करता है तो उसका ट्रस्ट बिल्कुल मत तोड़ना, एंड एक बात आपको भी कहना है यार किसी पे भी अंधा ट्रस्ट मत करना, ये ऑनलाइन दुनिया यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, यहाँ पे कोई भी आपका साथी नहीं है। लालच एक ऐसी चीज है जो किसी के भी मन में आता है ना, फिर वो नहीं देखता कि आप उसके कितने अच्छे दोस्त हो, आप उसके भाई हो, रिश्तेदार हो, वो कुछ भी नहीं देखता। लालच भाई अंधी चीज होती है। आज के वक्त में ऑनलाइन दुनिया में ट्रस्ट किसी पे मत करना, किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड शेयर मत करना, फिर आप बैठ के रोगी वो मेरी आईडी ले गया, वो मेरे साथ स्कैम कर गया, ये वो ढिमका फलाना। ऐसा करके मेरा सीजन 2 इलाइट पास मुझे नहीं मिला। अगर मैं आज उसको अपना आईडी पासवर्ड नहीं देता ना, तो भाई मेरे अकाउंट में सीजन 2 इलाइट पास तो नहीं होता, बट मेरा अकाउंट काफी ज्यादा पुराना होता, काफी रेयर आइटम मेरे अकाउंट में अवेलेबल होते, क्योंकि यार मैंने पूरे एक साल फ्री फायर नहीं खेला था, तो काफी कुछ रेयर आइटम मैंने मिस कर दिए थे। अगर मैं कंटिन्यू फ्री फायर खेलता तो आज मेरे अकाउंट के अंदर काफी कुछ रेयर आइटम होते। लेकिन यार चलो सब कुछ ठीक है, रेयर आइटम नहीं हुआ तो क्या है, सबसे रेयर चीज आपके भाई के अकाउंट पे लगी हुई है वी बैज, एंड ये वी बैज आपके भाई को कैसे मिला इस पे भी आपके भाई ने एक वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, तो उसको भी जाके जरूर से देख लेना। एंड मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी जल्दी एक वीडियो डालने वाला हूं, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना, एंड चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब कर लेना।